मोदी सरकार के खेती कानूनों ने पंजाब के अंदर बीजेपी की खेड़ पूरी तरह खराब कर दी है। देश भर के सूबे अंदर पैर जमाण मगरों बीजेपी सिख चेहरों को अगे लिया के पंजाब फतेह करने की रणनीति उलीक रही थी। इसलिए चर्चा से श्रोमणी अकाली दल आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के कुछ बागी लीडर बीजेपी में जा सकते हैं। खेती कानूनों के मगरों पैदा हुए हालात करके हुण किसानी नाल जुड़े सिख लीडर बीजेपी की गल करने भी कतराउण लगे ने। हालात ये बन गए हैं कि हुण किसानी पिछोकड़ वाले बीजेपी लीडर अस्तीफे देने मजबूर ने। इस नूं लैके पंजाब बीजेपी की लीडरशिप ने अपना फिक्र हाईकमान के कोल जाहर किया। बीजेपी लीडर का मानना है कि अकाली दल के वक्त होने नाल होए नुकसान की भरपाई तो शायद हो जाती, पर अपने ही लीडर के अस्तीफे पार्टी लिए गंभीर रुझान बन गया। इसलिए हुण बीजेपी का पंजाब फतेह का सुफना चकना चूर होने लगे। कुछ समा पहला अकाली दल डेमोक्रेटिक दे प्रधान सुखदेव सिंह ढींसा दी बीजेपी के नाल नज़दीकियां दी चर्चा सी। ताज़ा हालात मगरों ढींसा ने भी बीजेपी के नाल लकीर खिंच ली है। ढींसा का कहना है कि बीजेपी को पूरे देश ने नकार दिता है तो अकाली दल का बीजेपी के नाल किसी तरह की सांझ या गठजोड़ का सवाल पैदा ही नहीं हुंदा। उन्हां दा मानना है कि बीजेपी ने खेती कानून लिया के देश भर के किसानों नाल त्रोह कमाया। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ कॉम टीवी। मोदी सरकार के खेती कानूनों ने पंजाब के अंदर बीजेपी की खेड़ पूरी तरह खराब कर दी है। देश भर के सूबे अंदर पैर जमाण मगरों बीजेपी सिख चेहरों को अगे लिया के पंजाब फतेह करने की रणनीति उलीक रही थी। इसलिए चर्चा से श्रोमणी अकाली दल आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के कुछ बागी लीडर बीजेपी में जा सकते हैं। खेती कानूनों के मगरों पैदा हुए हालात करके हुण किसानी नाल जुड़े सिख लीडर बीजेपी की गल करने भी कतराउण लगे ने। हालात ये बन गए हैं कि हुण किसानी पिछोकड़ वाले बीजेपी लीडर अस्तीफे देने मजबूर ने। इस नूं लैके पंजाब बीजेपी की लीडरशिप ने अपना फिक्र हाईकमान के कोल जाहर किया। बीजेपी लीडर का मानना है कि अकाली दल के वक्त होने नाल होए नुकसान की भरपाई तो शायद हो जाती, पर अपने ही लीडर के अस्तीफे पार्टी लिए गंभीर रुझान बन गया। इसलिए हुण बीजेपी का पंजाब फतेह का सुफना चकना चूर होने लगे। कुछ समा पहला अकाली दल डेमोक्रेटिक के प्रधान सुखदेव सिंह ढींसा दी बीजेपी के नाल नज़दीकियां दी चर्चा सी। ताज़ा हालात मगरों ढींसा ने भी बीजेपी के नाल लकीर खिंच ली है। ढींसा का कहना है कि बीजेपी को पूरे देश ने नकार दिता है तो अकाली दल का बीजेपी के नाल किसी तरह की सांझ या गठजोड़ का सवाल पैदा ही नहीं हुंदा। उन्हां दा मानना है कि बीजेपी ने खेती कानून लिया के देश भर के किसानों नाल त्रोह कमाया। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ कॉम टीवी।